पंजाब के लुधियाना में फिरोजपुर रोड स्थित हयात रेजेंसी होटल को उड़ाने की धमकी मामले में पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। जिस समय होटल को धमकी मिली उस समय 25 कमरे होटल में बुक थे। 60 गेस्ट हाउस के अलावा 90 स्टाफ मौजूद था। पुलिस के अनुसार धमकी देने वाला मानसिक रूप से परेशान है। फिलहाल पुलिस ने अभी आरोपी की पहचान का खुलासा नहीं किया है। जैसे ही होटल को धमकी मिली मैनेजर ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद 100 से अधिक पुलिस जवानों ने होटल की घेराबंदी कर ली थी। होटल में जितने भी रूम बुक थे उनके गेस्टों को कमरे से बाहर निकालकर सुरक्षित पार्क में बैठाया गया। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया था। होटल से कुछ दूरी पर डॉग स्क्वाड की गाड़ी खराब हो गई, जिसे काफी मशक्कत के बाद धक्का लगाकर पुलिस कर्मियों ने स्टार्ट किया। पुलिस के उच्च अधिकारियों के पहुंचने के बाद काफी देर बाद डॉग स्क्वाड दास्ता पहुंची, जिन्होंने होटल में सर्च किया। देर रात तक होटल के बाहर सुरक्षा कर्मचारी तैनात रहे। वहीं इलाका SHO को भी पुलिस उच्च अधिकारियों ने आदेश दिए हैं कि इलाके में गश्त बढ़ाई जाए। बताया जा रहा है कि हयात रेजेंसी को मिली थ्रेट मामले में पुलिस जल्द ही खुलासा कर सकती है। आरोपी को दिल्ली पुलिस की मदद से काबू कर लिया गया है। उम्मीद है आज आरोपी को महानगर में लाया जा सकता है। आरोपी की कॉल डिटेल पुलिस खंगालेगी, क्योंकि उसने कई अन्य शहरों में भी अलग अलग होटलों में थ्रेट दी है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।